कॉन्ग्रेचुलेशन वेब दुनिया, आपके 18 साल पूरे हुए हैं एंड ऑल आई कैन से इज गुड लक फॉर फ्यूचर और ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। दीपावली पर पटाखों का अपना महत्व होता है। जिस तरह बाजार में तरह तरह के पटाखे मौजूद हैं, उसी तरह बॉलीवुड में भी कई तरह के पटाखे पाए जाते हैं। पेश है एक झलक बॉलीवुड के रॉकेट आमिर खान है। जिस तरह रॉकेट ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है, उसी तरह ये हर बार अपने अभिनय और बॉक्स ऑफिस मूल्य की वजह से नित नई ऊंचाइयों को छूते रहते हैं। बॉलीवुड के एटम बम का धमाका जबरदस्त होता है। उसके धमाके के आगे छोटे मोटे पटाखे कहीं नहीं लगते। बॉलीवुड के एटम बम है सलमान खान। बॉक्स ऑफिस पर जोरदार धमाके के साथ उनकी फिल्म शुरुआत करती है। उनकी फिल्में किसी धमाके से कम नहीं होती। बॉलीवुड की फुलझड़ियां बड़ी प्यारी और आकर्षक लगती है। इन्हें देखकर मन को बड़ा अच्छा महसूस होता है। बॉलीवुड की नायिकाएं किसी फुलझड़ी से कम नहीं है। दर्शक इन्हें पर्दे पर देख बड़े खुश होते हैं और सीटियां बजाते हैं। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट को देख दर्शक खुश हो जाते हैं। बॉलीवुड के अनार ऐसे सितारे जिनकी फिल्मों में हर तरह का मसाला होता है। अनार भी ऐसा पटाखा है जो सभी को पसंद आता है। उसी तरह अक्षय कुमार और वरुण धवन की फिल्में सभी को पसंद आती है। बॉलीवुड के फुस्सी बम, जो बम दिखने में बड़ा आकर्षक होता है लेकिन उसकी आवाज में कोई दम नहीं रहता, उसे फुस्सी बम कहा जाता है। बम फुस्सी है या नहीं, इसका पता आग लगाने के बाद चलता है। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्मों के प्रोमो धमाकेदार होते हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वे फुस्स साबित होती है। बेचारों की फिल्में नहीं चल पा रही हैं और इसीलिए ये दोनों बॉलीवुड के फुस्सी बम हैं। बॉलीवुड की चक्री जमीन पर घूमती हुई यहाँ जा वहाँ जा, यही हाल है प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ का। प्रियंका हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच चक्री बन गई हैं, तो कैटरीना कभी सलमान के पास, कभी रणबीर के पास, तो फिर सलमान के पास। बॉलीवुड के सेक्सी बम, यह पटाखा सिर्फ बॉलीवुड में ही पाया जाता है। सनी लियोन, जैकलिन फर्नांडिस, ईशा गुप्ता जैसी नायिकाएं सेक्सी बम की श्रेणी में आती है। इनके धमाकों से सिनेमा घर में बैठा दर्शक घायल हो जाता है।